subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगर मां है इम्तियाज मीर मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कौमी सलामती जी इजलास में जी तो चो त इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है उए जेके गालियों बाहर लीक थियुन शेख रशीद अहमद मीडिया में अची करे जेके शयूं थियुन अगते हली करे जेकर शेख रशीद अहमद हुंदो त मां इजलास में कोन वेंदुस उन सां गॾु मरियम नवाज साहिबा सियासी अगवाणन के जनरल हेडक्वार्टर जेश क्यू न मन घुर्जे जैंखे भी अचणो आ सियासी मसला अची करे पार्लियामेंट में हल करण घुर्जे उन या गाल भी चई आए त नवाज शरीफ जो को भी निमाइंदो आर्मी चीफ से मुलाकात न कई आए बी तरफ DGISPR चो आए त मोहम्मद जुबेर ब दफा पान अची करे आर्मी चीफ से मुलाकात कई नवाज शरीफ ए मरियम नवाज के हवाले से डिस्कशंस कई आर्मी चीफ तो सियासी मसला पार्लियामेंट में जेके कानूनी मसला हैं उ वही अदालती मैदान से हल कियो वही करें शेख रशीद साहब चो त उन अग में भी ब मुलाकातूँ थियन वो अहम मुलाकातूँ थियन जैमें एहसन इकबाल साहब ख्वाजा आसिफ जैमें शेख रशीद एक 5 घंटा बी तकरीबन 3.25 घंटा मुलाकातूँ थी उन पीपल्स पार्टी जी जेकी कमजोरी आए सिंध गवर्नमेंट केसेस सब कुछ PDM भी ठही सब कुछ थो है APC का तहरीक हलान केतरी आसान होंगी सजन सियासी जमातों के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुतहद रखन कड़ो वो इम्तिहान है मुसा टेलीफोन लाइन से शेख रशीद अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम सर सर बिलावल साहब ने बड़ा शिकवा बड़ा ही एहतजाज और बड़ा ही कहने के कौमी सलामती की बात शेख रशीद अहमद साहब ने आउट कर दी क्या कहेंगे सर कल वो पैदा हुए हैं उन्हें कौमी सलामती का क्या पता हम 4 दफा फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर रहे हैं कश्मीर कमेटी के नवाबजादा नसरुल्ला साहब के साथ रहे हैं सर इनका तो कहीं वजूद नहीं था जब हम कौमी सलामती को समझते थे हम पे तो बड़ी हम पे क्या गुजरेगी जब ये जहां हम होंगे वो नहीं होंगे तो कौमी असेंबली में भी हम हैं फिर वहां भी नहीं जाएंगे ये सही सर मरियम नवाज ने कहा JHQ को न सियासी मामलात पे बुलाना चाहिए न सियासी कयादत को वहां जाना चाहिए ये तो अपने घर में बैठ के तय करे ना उसने तो कहा कि नवाज शरीफ का कोई आदमी मैं तो पहले कह चुका हूं कि 4 महीने तक इनका कच्चा चट्ठा खुल जाएगा और ये December 30 और January में इनके मामला खुल जाएंगे कि कितने 20 का 100 है उसने तो आज अपनी पार्टी के मेंबरों को कहा कि ये हमारी पार्टी के मेंबर ही नहीं है जो मिले हैं तो मैंने तो नहीं ये मुलाकात करवाई वो तो अपने शौक से वहां गए हैं APC का सर क्या देख रहे हैं APC का पीपल्स पार्टी तो इस्तीफा नहीं देगी जी सिंध से बाकी मुझे पता नहीं PDM कोई आपको तहरीक होते हुए धरने जलसे देखें फजलुर रहमान जरूर मस्ती करेगा मार्च से पहले पहले क्योंकि उसको पता है कि अगर मार्च तक ये सेनेट में भी इमरान खान अक्सरियत ले गया तो मसला पैदा हो जाएगा इसलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस मसले को खराब करे लेकिन खराब नहीं कर पाएगा नून लीग का सियासी मुस्तकबिल सर नून लीग का मैं कह चुका हूँ नून से शीन निकलेगी 4 महीने का मैंने टाइम दिया तो सबसे में आप देखें सियासत क्या होती बड़ी मेहरबानी शेख साहब आपने टाइम दिया कहीं आप जा रहे थे आपकी बड़ी मेहरबानी नाज़रीन मुख्य टेलीफोन लाइन ते सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर मौला बख चांडियो साहब मुसा गड आन टेलीफोन लाइन ते सर तांके वेलकम चमुदा पंजे शो में सर मेहरबानी हमारी बड़ी मेहरबानी सर चेयरमैन साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिताब भी कियो आए नेशनल सिक्योरिटी जी गालियों बाहर अचण जड़े तरीके से शेख रशीद साहब गालियों कयूं आन ये तो राज हुंदा आन जेके अची करे ताहां के रखना पंदा आन ये किए गालियों बाहर लीक थी उन सर असल में गाल ये नो हो है पर साकार ही लाड लाएन हेन का केर पुछन वालो केर को ने हेन दी गाल हेन जो नोटिस हेन वालो केर को ने पीपल्स पार्टी दे मिटर नोटिस वटजी विंदा वा मुख्तलिफ जाएं दा नोटिस वटपा वा हेन दे चवन वालो केर को ने नरगो शेख रशीद में खुद वजीर से मेरी गाली कई वन जेके मुझे ख्याल में तरीके कह भी तरीके से जायज कोनन जे कोनन बट हल्फ है उन्हें हल्फ के मुताबिक से नहीं गाली कर लूं कोनन
इं इदारन के खिलाफ वेठा माहौल पैदा कन वेठा उनके ब्लैकमेल करने की पोजिशन में अचन बाकी वो का भी गाल कहें मुझे ख्याल में ये डो है पर हम उनको पूछे केर चवे तो केर उनका केर पुछवारो को सही सर एपीसी थी जबरदस्त एपीसी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लीड कियो इन इत्तहाद के पीडीएम के इत्तहाद के रखने के वो चैलेंज न हों इम्तिहान न हों सर पहले चैलेंज तो यो हो तो सभी एपीसी थी कान हाँ सर टीवी ते वेठा चश्मा बिश्मा पायो घड़ी हेठ कन घड़ी मथे कन वो थदा साह भरन एपीसी तो कोई तनकीद कर वरी बो पहलू उन भाई पीपल्स पार्टी नून लीग कि पा में गजी वेंदा इन विच में वो समुंड इख्तिलाफन जो एतमाद बहाल को फलाने वाहिदे में टुटी वह हल्या एक बे के हिं क्यों केस ठाया अन अड़ी गाल हाँ ऐसो तदान ए पी सी थी नून लीग या पीपल्स पार्टी भी टेबल से वेठा वो कमाल यो तो पीपल्स पार्टी दावत आया पीपल्स पार्टी तो हूँ भी नहीं रही अस बेसिक को जमूर की बहाली लाए मान के हक ला कल वनो पे पर ही पीपल्स पार्टी सद से आया मुझे ख्याल में सजो पाकिस्तान गद थो सभी के बिलावल साहब के तदब्बुर कैसे एतमाद एतमाद इन कर खुद यो वो मामलो है ये आया सभी टेबल से वेठा पर मौला बख्श साहब सीनियर रहनुमा हो सीनियर सियासतदान हो सारी जिंदगी तां सियासत के दिनी एक तरफ मियाँ साहब की वही तनकीद है एस्टेब्लिशमेंट ते जमहूरियत लाए बी तरफ शहबाज शरीफ जो मुलाकातों भी आए ये वो सवाल ना है सेनेटर साहब ये सवाल है नून लीग के जवाब दियण खपे जवाब दियण खपे नून लीग के ये सवाल नून लीग से है असरी मामले कदम को छेड़ो है पर अस चवंदा रहा तो बाबा अपोजिशन लीडर है पा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस घुरा पा क्यादत करें पर सब्र करे करे बिलावल साहब दावत रही है बिलावल साहब अज किरदार अदा कर अगत बिलावल साहब किरदार अदा कह इंशाल्लाह दिस तो भी अज एकड़ो वो सख्त बयान भी आए मरियम नवाज जो सियासी क्यादत के जेएसक्यू वन भी न खपे उनके घुराण भी न खपे सियासी क्यादत के भी उन्हें न वन खपे बल लाइन यू मुख्तलिफ ना है सर एक तरफ वो एक तरफ मुझे ख्याल में मियां साहब की साहबजादी है उनके हक है सदी सियासत जायजो वे सदी सियासत की नून लीग की सियासत दिसे प्रेरित मिस्र जमाने का वी हेस तीन सदी सियासत को दिसे कैदे के पार्टी कटड़े में बिहारे सकबो बाकी हूं सलाह मशवर लाए कौमी मसलन से गाल दावत मिले इन इदारे तरफा तो गुनाह खोले पाकिस्तान की फौज है पाकिस्तानी फौज जो कमांडर इन चीफ है जो दावत दे तो छो न वो असल गाल अस तो पान तो को टाइम दियो पान सियासी क्यादत के वरी बोहरान में अचन मसलन में अचन सैलाब में अचन जिलजिल में अचन अमन अमान अचन तो हाँ जो कौमी मामले के अहम मामलों से कौमी सलामती मामले से जैसे इदारो एतमाद में रखना चाहे पाकिस्तान सियासी पार्टियों के सर ब साल की कारकर्दगी तामू आ तबाही बेरोजगारी महंगाई पंजे उरूज से आए सब कुछ आए पीपल्स पार्टी जो वो किरदार आए सब कुछ आए माजी नून लीग जो दिसूं था मेमोगेट स्कैंडल तामू आए एहतजाज तहरीक धरना सब कुछ थे तो सुबह नून लीग वही कर इतिहाद छड़े करे जेकर एस्टेब्लिशमेंट से गालाए थी एतमाद करे सके तो सर अभी दुरुस्त चो अभी दुरुस्त चो पर खदिशन के बुनियादन से जमहूरी जदोजहद के रोकन तो मुनासिब को पीपल्स पार्टी ला जै पार्टी जमहूर जान जो कुर्बानी है हजार मानू के जेल में बर्दाश्त करें बिन कायदन के जो कतल शहादत बर्दाश्त क्यों जमहूर की बारे लाइ जड़ी गाल कदम अगते वजन तो असारी जिम्मेदारी यहाँ है बाकी पान के पैजो तोड़ निभाण खपे जो में को रोलो थो पा ही मानू के जवाब दींदा असा के मुझे ख्याल में कें खर्चे का डी हकीकी जमूर के रस्ते से केर न रोकन खपे पीडीएम सर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इमरान खान के खिलाफ ठही है जै इमरान खान के आंदो उनके खिलाफ ठही है सर कल गाली तो अस उन पर मसलो हिं यो ना मसलो हिं है तो हुकूमत केर है हुकूमत में केर वेठो है केठ में केर वेठो इदारन के खराब करे केर वेठो केस ठाए पोए हथ के वरी पोए सबो
पैसे जो सामू है मतलब उन्हें कभी है जो तावी के जोर से हलन था तावी फुल आए बगीची में पैसे हम सब मुकाबलो कबो जो सामू मतलब आयो है इनके किरायों पर बिल के मोलींदी वड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मौला बगचांडियो साहब सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर मूसा गड होया वक्त डसींदो हालात डसींदा हैन इत्तेहाद के कायम करण वड़ो चैलेंज हुंदो वड़ो इम्तिहान हुंदो ब्रेक जो टाइम थिया ब्रेक खां पोइ